Hello students, today we will read the poem first of class 10th, Dust of Snow by Robert Frost. Here is the poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. This is a very short poem by Robert Frost, but it has a very deep meaning. So let's see what's the meaning of this poem. So here in the poem, the poet is upset and sitting under the hemlock tree. Poet बहुत ही ज़्यादा upset है और एक hemlock tree के नीचे बैठा हुआ है. और वो यहाँ पे कोई और ट्री को चूज नहीं कर रहा है. ही हैज चूजन ओनली हेमलॉक ट्री. जस्ट कीप इट इन माइंड. सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोएट. सडनली एक क्रो आता है उस हेमलॉक ट्री पे और ट्री को शेक करता है. और जैसे ही वो ट्री को शेक करता है, ट्री पे से जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं. आई रिपीट कि एक जो पोएट है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक ट्री हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. सडनली एक क्रो वहाँ आता है और हेमलॉक ट्री को शेक करता है. उसके शेक करने से जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो ट्री से गिर के पोएट के ऊपर आते हैं. द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी. जो सॉफ्ट टच है उसका स्नो का, उसकी वजह से पोएट का जो मूड है वो बहुत ही चेंज हो जाता है. अभी तक वो बहुत ही अपसेट होता है, सैड होता है, और उसका मूड सडनली स्नो के गिरने से सैड से हैप्पी हो जाता है. ही स्टार्ट्स फीलिंग सूदेड एंड रिफ्रेश. बहुत ही रिफ्रेश फील कर रहा है वो. इन दिस वे अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट. अब इस तरीके से एक छोटा सा जो पल था, छोटा सा जो मोमेंट था वो, जब उस क्रो ने आके हेमलॉक ट्री को शेक किया और ट्री पे किसे जो स्नो गिरा पोएट के ऊपर, उस छोटे से मोमेंट से, उस छोटी सी एक्टिविटी से पोएट का पूरा मूड चेंज हो गया और उसका जो रेस्ट ऑफ द डे था, बाकी का जो दिन था, वो स्पॉइल होने से बच गया. द ब्लैक क्रो इज कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर. ब्लैक क्रो बेसिकली डेथ और फियर का सिंबल होता है. जो क्रो होता है उसको हम नेगेटिविटी से रिलेट करते हैं. सिंस द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विद गुडनेस, इट इज आयरोनिक दैट इन दिस पोएम इट इज डूइंग अ गुड डीड बाय शेकिंग ऑफ द स्नो. जैसे कि हम कभी ब्लैक क्रो को एक अच्छी चीज से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो लेकिन इस पोएम में पोएट ने ब्लैक क्रो को यूज किया है और वो ये दिखा रहा है कि ब्लैक क्रो की वजह से, ब्लैक क्रो के उस ट्री को शेक करने की वजह से उसका जो मूड है वो चेंज हो गया. रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री. यहाँ पे जो पोएट हैं वो किसी और तरीके का ट्री नहीं यूज कर रहे हैं, ना ही कोई ओक ट्री, मैपल या पाइन ट्री. नो, इंस्टेड ही चूज हेमलॉक ट्री विच इज यूजली एसोसिएटेड विद पॉइजन एंड टॉक्सिटी. और यहाँ पे वो हेमलॉक ट्री का यूज कर रहे हैं जो कि पॉइजन और टॉक्सिटी से रिलेटेड होता है. एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है ये, इसका जो पल्प होता है बहुत ही पॉइजनस होता है. तो इस ट्री से वो इसी ट्री को यूज़ किया उन्होंने. उन्होंने कोई ब्यूटीफुल को और अच्छा सुंदर सा ट्री यूज नहीं किया. एनी वे द ब्यूटिफुल स्नो दैट एडॉर्न्स द पॉइजनस हेमलॉक ट्रीज ब्रांचेस इज शेकन ऑफ बाय द स्केरी क्रो. अब ये जो ब्यूटीफुल स्नो है उस पॉइजनस हेमलॉक ट्री पे, वो एक स्केरी क्रो की वजह से, स्केरी क्रो के थ्रू शेक होके पोएट के ऊपर गिरते हैं. यानी कि यहाँ पे स्नो एक प्लीजेंट थिंग यूज करी है पोएट ने, लेकिन जो ट्री है और जो क्रो है वो दोनों ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट को शो करते हैं. लेकिन यहाँ पे दोनों पोएट ने एक पॉजिटिविटी शो करने के लिए यूज किया कि हेमलॉक ट्री पे से स्नो गिरी पोएट के ऊपर और जो क्रो है, जो स्केरी क्रो है, उसने उसको शेक किया हेमलॉक ट्री को और पोएट के ऊपर स्नो गिरी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस एलिमेंट्स ऑफ फियरसम क्रो एंड पॉइजनस हेमलॉक ट्री टू डू समथिंग गुड. शेक द वाइट प्योर स्नो ऑफ द ब्रांचेस. दिस गुड एक्ट लिफ्ट्स द सुसाइडल पर्सन स्पिरिट्स कॉजिंग हिम टू चेंज हिज माइंड अबाउट किलिंग हिमसेल्फ. द स्मॉल एक्ट कॉजेज द मैन टू हैव एन एनलाइटेड इनसाइट.
रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे जो फियरसम क्रो है और जो डरावना क्रो है और जो पॉइजनस हेमलॉक ट्री है, यहाँ पे कुछ अच्छा कर रहे हैं। उस पर इसकी जो ब्रांचेस हैं उस पर से जो स्नो गिर रही है उसकी वजह से ही जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जो मूड है वो चेंज हुआ था और बाकी का दिन उनका वेस्ट होने से बच गया था। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक जो अच्छे एक्ट है, जो गुड एक्ट है, जो गुड डीड्स है, उसकी वजह से एक पर्सन जो सुसाइड करने जा रहा है उसका माइंड चेंज हो सकता है और वो अपने किलिंग को, अपनी ही किलिंग को रोक सकता है। टू हैव वी हैव अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री कवर्ड इन प्योर वाइट स्नो एंड अ मैन हु इज डिप्रेस्ड प्लानिंग टू किल हिमसेल्फ एंड वॉकिंग अंडर द ट्री। एट दैट प्रिसाइज मोमेंट द ब्लैक क्रो ऑफ डेथ शेक्स द प्योर गुड स्नो ऑन टू द मैन। यहाँ पे पॉइजनस हेमलॉक ट्री जिसके ऊपर एक प्योर वाइट कलर का स्नो है और एक आदमी जो उसके नीचे डिप्रेस बैठा हुआ है, जो अपने आप को ख़त्म करने की, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, और सडनली वहाँ पे एक स्केरी क्रो आता है जो डेथ को डिनोट करता है, लेकिन वो उस हेमलॉक ट्री को शेक करता है और जो स्नो है वो मैन के ऊपर गिरती है। ऑल दैट गुडनेस हेल्प्स द मैन टू चेंज हिज माइंड अबाउट किलिंग हिमसेल्फ। इंस्टेड ही डिसाइड्स टू लिव, forget the regret and sorrow to enable healing. तो इसी वजह से जो poet है, जो man है, उसके नीचे जो बैठा हुआ है उसका mind पूरा change हो जाता है और वो जीने के का decide करता है और सब कुछ भूल जाता है। The poet Dust of Snow by Robert Frost reiterates that the little things in life can make huge changes in our future. यहाँ पे जो पोएट में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो, वो ये शो कर रही है कि हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से भी हमारी लाइफ में बहुत बड़े, हमारे फ्यूचर में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम्स। तो जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं हमें उन्हें पॉजिटिवली लेना है, उनको हैंडल करना है और उनको बियर करना है, हमें उनसे भागना नहीं है। अगर हम उनको फेस करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो फॉर श्योर है कि थोड़े टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा जो हमें हैप्पीनेस भी देगा। सिंपल थिंग्स वी डू फॉर द अदर्स कैन मेक ऑल डिफरेंस। जस्ट थिंक अबाउट दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वी डू एंड हाउ मच दे ब्राइटन अ पर्सनस डे एंड समटाइम्स चेंज हियर फ्यूचर। कि हम छोटी छोटी चीज़ें भी अगर किसी के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। अगर हम किसी को भी छोटा सा काइंडनेस करते हैं तो उससे उसका डे भी प्लीजेंट होता है और हमारा डे भी प्लीजेंट होता है। नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक आर लाइफ हैप्पियर। इट विल ऑल्सो कॉज अस टू हैव अ स्पिरिट दैट इज विलिंग टू चेंज एंड देयरफॉर सक्सीड। कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें, अप्रिशिएट करें, एंड अ स्मॉल थिंग, इवन अ वेरी स्मॉल थिंग कैन ऑल्सो चेंज आर प्रेजेंट एज वेल एज आर फ्यूचर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस poem, and here are some of the questions of this poem. Where and how do you think the poet is in the beginning of the poem? Poet jo hai wo hemlock tree ke niche baitha hua hai and he is in a very sad mood. Crow kahan se kya karta hai? Crow aake tree pe baithta hai aur tree ko shake karta hai. Poet ka mood kaise change hua? Poet ka mood change hua jab dust of snow uske upar gira. Jo snow ki dust hai, क्रिस्टल स्नो जो है वो पोएट के ऊपर जब गिरती है तब उसका मूड चेंज हो गया। व्हाट हैपेंड विद द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट? जो पोएट का बाकी का दिन था उसके साथ क्या हुआ? जो पोएट का बाकी का दिन था वो सेव हो गया खराब होने से, क्योंकि अब जो है पोएट पहले सैड था और अब उसने हैप्पी और रिफ्रेश फील करने लगा है। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? व्हाट हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो ने पोएट का मूड चेंज कर दिया। उस सॉफ्ट और कोल्ड टच की वजह से पोएट का मूड सैड से हैप्पी हो गया और अब वो बहुत ही रिफ्रेश फील कर रहा है। सो फाइनली वी आर डन विद द पोएम। टुमारो वी विल गो विद द सेकेंड पोएम ऑफ दिस बुक। थैंक यू।